अगर हम देखें कि इतने केसेस बढ़े हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल एडमिशन्स या डेथ्स जो हैं वो इतनी नहीं बढ़ी हैं, तो उसका ये मतलब है कि केसेस ज़्यादा हैं लेकिन मेनली माइल्ड केसेस हैं। सिर्फ जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। केसेस बढ़े क्यों हैं, इसके कारण यही है कि एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम निभा रहे थे वो एकदम बंद हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई है, मास्क लगाना बंद हो गया, हैंड वॉशिंग बंद हो गई, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, और वायरस भी थोड़ा म्यूटेट करके नया वेरिएंट आया है XBB.1.16 वाला, जो ज़्यादा इन्फेक्शस है, ज़्यादा जल्दी फैलता है, और थोड़ा कुछ हद तक कुछ पिछले 2-3 हफ्तों में मौसम भी ऐसा रहा है कि बरसात हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर केसेस एकदम बढ़ना शुरू हो गए। और हम ये देख रहे हैं कि केसेस बहुत अब बढ़ रहे हैं लेकिन एडमिशन नहीं बढ़े, अभी भी केसेस माइल्ड ही हैं। इससे हमें पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाने की ज़रूरत है लेकिन कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अगर हमें केसेस कम करने हैं, और वो कम करने के कारण दो हैं, एक तो केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम पे भी स्ट्रेन पड़ता है, लोगों की मतलब जो काम करने वाले हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता है, घर में लोग बीमार हों तो ओवरऑल इफ़ेक्ट आता है। दूसरा ये भी डर रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े तो वायरस और म्यूटेट ना करके कोई और नया स्ट्रेन ना आए, तो हमें केसेस जितना हम कम कर सकें और जितना जल्दी कम कर सकें वो बेहतर रहेगा। उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों ने अपना बूस्टर डोज नहीं लगाया है और वो ड्यू हैं तो वो भी अपना बूस्टर डोज ज़रूर लगाएं। अभी तक जो डेटा है और उसमें ये है कि बच्चों में भी माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, और हम ये नहीं देख रहे कि बच्चों में डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं या हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं, फ्लू लाइक सिंड्रोम हम देख रहे हैं, कोविड के कारण भी देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के कारण भी देख रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों में जुकाम, नज़ला, बुखार ही हो रहा है और उसी से वो ठीक हो जा रहे हैं।